तो यार श्रीनगर से देहरादून के लिए हमारा टूर था ना, श्रीनगर से हमारा टूर था देहरादून। तो जब देहरादून के ले चले हम तो बहुत बढ़िया ना गाड़ी में जब चले तो बहुत अच्छा। और रास्ते में जब हम चले तो बच्चे भी ना गाड़ी जहाँ पे रुकी जहाँ पे खाना खाते हैं, तीन धारा के आगे ना टैंकर स्टैंड बना रखा है ना, तो टैंकर स्टैंड में रुके, वहाँ पे जो भी हमने हल्का नाश्ता पानी करना था किया। और उसके बाद जो है सभी मतलब आनंद में ना, मौज में ना, बहुत अच्छा ना। और ईश्वर का धन्यवाद दे रहे कि परमेश्वर जो है, ईश्वर ने जो हमें जो बहुत अच्छा ना सैर भी कराई ना, पहाड़ की ना, घर से लेकर पौड़ी से लेकर यहाँ ऋषिकेश तक ना। और गाड़ियों की भरमार इतनी, और इतने टूरिस्ट लोग जो आध्यात्म से जुड़े, भीड़ इतनी, बाहर के लोग भी ना प्रकृति की, प्रकृति को देखने के लिए ना, प्रकृति के नज़ारे सैलानियों के ना। ऐसे जब हम वहाँ से निकले तो बहुत अच्छा रास्ते में ना, तो ऋषिकेश जैसे पौड़ी पहुँचे तो उस सैलानी जो है उस चिड़चिड़ाती धूम में भी जो है बिल्कुल घूम रहे ना, तो इतने लोग घूम रहे कि देखते आप देख रहे होंगे कितना अच्छा ये लोग, देखो चिड़चिड़ाती धूप में भी कोई धूप का कोई असर नहीं, इनके हौसले बिल्कुल बुलंद ना। और भीड़ भाड़ भी खूब ना, गाड़ियों की भरमार देखो पहाड़ में ना, बाहर का आदमी इतना टूरिस्ट पैलेस बना हुआ है कि बहुत सैलानी जो है बहुत भर भर के आ रहे हैं, और भर भर के आ रहे हैं। इस दोपहरी में किसी ने जो है छाता ओढ़ा हुआ है, किसी ने देखो कितने, और ये बाहर के लोग हैं, लोग भी ना ये लोग आ रखे आध्यात्म से जुड़े हुए, जो जिनको ये है कि मतलब हिमालय में जो है भगवान रहते हैं, है ना। तो हिमालय की तरफ जो है सबका रुख बदला हुआ है, गाड़ियों की भरमार देखो कितनी गाड़ियां हैं, इतना ट्रैफिक जाम, बहुत सारा जाम जाम ट्रैफिक। और इस घूमे भी और सब गाड़ियों के अंदर इतना पसीना पसीना लोगों की, किसी की एसी चल रही, किसी कुछ, है ना। तो बहुत ज़्यादा इस गर्मी में भी जो है लोगों के जो हौसले देखो कितने बुलंद ना, ये घूम इस केस में जो है टीरी वाला जो बाईपास है उस पे आए हम, तो ये देख रहे होंगे गाड़ी भी आ रही है और पीछे से ये जाता है कि सचमुच उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि है ना। इसके देखने के लिए लोग जो है बाहर से आते हैं ना, ऐसे हम ऋषिकेश पहुँचे। गाड़ियों की देखो क्या क्या मतलब फर्स्ट क्लास वो आ रही है ना सीनरी, कितना अच्छा लगता है जब पहाड़ में ना ऐसे चलते हैं, दूर तक नज़र जाती है ना। और लोग क्या बहुत सुंदर देखते हैं कि प्रकृति ने कितनी अच्छी, अद्भुत प्रकृति के खजाने हैं ना, सुंदर हरियाली और घूमना फिरना ना। तो एक गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे देखिए, एक आगे एक पीछे, कितनी अच्छी है, मतलब लोकेशन दिखा रहा है ना, कितना अच्छा व्यू, कि मन क्या हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है ना। और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मतलब इतनी अच्छी व्यू जो है, ये सीनरी कहाँ देख, ऐसे जो है ये देखो ये तोता घाटी के ऊपर ये सैलानी खड़े हो रहे, क्या नीचे जो है नदी का ऊपर पहाड़ों का भी, ये पुल आ गया, पुल में भी जो है खूब ना गाड़ियाँ देखो कैसे लग रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी रोड़े बन चुकी है ना। और पहाड़ के लिए सैलानियों के लिए जो है बिल्कुल स्वर्ग का स्थान है ना पहाड़, है ना। तो ये हमारा, हम जब टूर गए तो हमने बहुत आनंद लिया ना, चलते चलते मतलब गाड़ी में भी इतना आनंद कि ईश्वर ने जो आनंद हमें दिया है सच में उसका बयान नहीं कर सकते ना। गाड़ी में बहुत अच्छी रौनक है ना, देखने को नहीं मिलती ना, टीवी में भी नहीं देखते देखने को मिलती है ना, ऐसे रोड़ों का, ऐसे घुमावदार रोड़ों पर जब गाड़ियाँ अपनी कट मार। तो वीडियो को मैं मैसेज देने का यही मतलब है कि आपने इस वीडियो को देखा होगा और बहुत सुंदर लगा होगा आपको सैर करना ना, सैर कितनी अच्छी होती है ना मतलब। और सैलानियों के लिए जो जो उत्तराखंड में या पहाड़ के प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं ना, तालमेल जिनका अच्छा है ना, हरियाली और ये देखो घुमावदार कितनी अच्छी रोड़े हो गई ना, तो आपको मैसेज यही है कि ज़रूर अपने उत्तराखंड को मतलब देखना है, भाना है। और उत्तराखंड जो है सैलानियों का गढ़ बन चुका है, हब बन चुका है, और आप साल अगले साल जो है ट्रेन भी आ जाएगी ना, तो और अच्छा ना उत्तराखंड जो है स्वर्ग का द्वार समझो उसको ना।